हेलो डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2022-23 के जो सत्र है उसकी जो मेरिट लिस्ट कब आएगी और उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इन सभी के बारे में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एमए एमएससी एमकॉम के बारे में क्या रहेगी, इसी के जो पीजी एडमिशन है वो सभी सरकारी कॉलेजों में राजस्थान के अंदर जितनी भी सरकारी कॉलेज है, डिपार्टमेंट है, जितनी भी सेकावाटी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू है वो एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर और भी जो सरकारी कॉलेज है उनके अंदर एडमिशन होने बाकी है, उनके अंदर एडमिशन होंगे। जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटी है, अलवर यूनिवर्सिटी है, भरतपुर यूनिवर्सिटी है, सुकाड़िया यूनिवर्सिटी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो फॉर्म चालू है उन सभी के फॉर्म, एमडीसी यूनिवर्सिटी है अजमेर, उन सभी के फॉर्म क्या है चालू है और उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी। उसकी लास्ट डेट है 27, उस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 27 अक्टूबर रहेगी, 27 अक्टूबर रहेगी, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी, आज लास्ट की लास्ट डेट है, तो इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी इसी के बारे में चर्चा करेंगे। संशोधित प्रवेश कार्यक्रम है वो क्या कर दिया, इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। इससे पहले उसके डेट में तो चेंज, यानी कि फॉर्म डेट में तो चेंजमेंट कर दिया गया था, लेकिन जो और भी शेड्यूल था उनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर दिया किया गया था, उसी पे क्या गया, संशोधित प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया। और इसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी आएगी और एक मेरिट लिस्ट है वो भी आएगी, तो उसी की डेट हम जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास सरकारी कॉलेज या फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज सभी की इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहेगी। तो चले हम शुरुआत करते हैं एमए एमएससी एमकॉम की। संशोधित प्रवेश कार्यक्रम है वो क्या कर दिया, इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इसकी जो फॉर्म की अंतिम तिथि है वो क्या रहेगी, 27 अक्टूबर 2022 रहेगी, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है। इस लिस्ट कब आएगी, यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, जो मेरिट लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट, इसकी दोनों लिस्ट आएगी एक ही साथ आएगी, वो आएगी 3 नवंबर को। तीन नवंबर 2022 को इसकी लिस्ट आएगी। और इसी के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपको जिस कॉलेज से आपने फॉर्म फिल किया उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, यानी कि आपके मेरिट लिस्ट है, ये वेटिंग लिस्ट है, इसके अंदर दोनों को, वेटिंग लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों को आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। अगर वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर सभी का नहीं आएगा इस बात का भी ध्यान रखें। इससे पहले मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 10 तारीख 10 नवंबर 2022 है, 10 नवंबर 2022 है इसकी लास्ट डेट। और इसकी जो फीस है वो फीस आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जमा कराओगे, जो इसकी डेट भी क्या है 11 नवंबर 2022 है, 11 नवंबर 2022 इसकी फीस है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो क्या है, 10/11/2022 है। वेटिंग लिस्ट वालों का सभी का नंबर नहीं आएगा क्योंकि वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए नहीं निकाली जाती है, जो वेटिंग लिस्ट उसी के लिए निकाली जाती है। जैसे आपकी जो मेरिट लिस्ट है उस मेरिट लिस्ट में आपका कुछ स्टूडेंट है जो या तो सप्लीमेंट्री आई हुई है या वो फाइनल ईयर में क्या हो चुके फेल हो चुके हैं, वो भी फॉर्म लगाया है, और जो पीटीटी जो बीएड कर रहे हैं 2 वर्षीय बीएड जो फॉर्म चालू है वो भी एक ही साथ चालू है, तो उनके लिए क्या फॉर्म है वो भी उन्होंने दोनों जगह फॉर्म फिल किया है। अगर वो पीटीटी बीएड करना चाहता है तो वो बीएड करेगा, उसमें दोनों में अगर नंबर आ चुका तो वो बीएड में काउंसलिंग करवा चुका है, तो वो वहां से क्या करा, यहाँ से इसका डॉक्यूमेंट्स में नाम हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए से क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा तो फिर नाम किसका आएगा, वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आएगा। फिर भी कुछ रिक्त स्थान खाली रह जाती है, हर कॉलेज में लगभग सीटें खाली रह जाती है, तो उसके लिए भी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, हम वीडियो लास्ट में देखेंगे बार। तो इसकी जो तो फॉर्म फीस रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी 11 तारीख 11/2022 यानी 11 नवंबर 2022। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है यानी कि आप फाइनल एडमिटेड, यानी कि आपको उसका कैसे पता चल गया कि आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं हो चुका, एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में आपको क्या रहेगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, 14 नवंबर को आएगी। चौदह नवंबर 2022 को आपको क्या रहेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। या फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है तो आपको कॉलेज में
लॉन्ग पेन जो लिस्ट रहती है वो लिस्ट लगाई जाएगी और वो लिस्ट आपको वहां से जुड़ना ही पड़ेगा, वो लिस्ट वहीं जाकर आपको देखनी पड़ेगी। या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहे जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पहले से क्या हो पढ़ रहा हो, या तो पीजी डिग्री कर रहा हो या यूजी डिग्री उसमें पहले से कर रहा हो, उसी के साथ आप कनेक्ट रहोगे तो वो मेल लिस्ट के आप देख सकते हैं, तो आपका नाम देख लेगा तो वो आपसे बता देगा। लेकिन आपको उस कॉलेज में जाकर ही लिस्ट देखनी पड़ेगी। तो फाइनल मेल लिस्ट है वो आप कॉलेज में जाकर ही आप देखोगे, तो फाइनल एडमिटेड है वो लिस्ट आपको वहां जाकर ही देखनी पड़ेगी। और इस लिस्ट का जो नाम है वेटिंग लिस्ट और SSID से या एप्लीकेशन नंबर से आप क्या सकते हो देख सकते हो। जैसे ही लिस्ट आएगी तो आपको वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बता दिया जाएगा किस किस का नंबर आ रहा है किसका नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम बताएंगे। और जो खाली सीटें रह जाती है यानी कि पॉइंट नंबर 6 की बात करें, जो खाली सीटें रह जाती है एम्प्टी सीट रहती है उनके लिए क्या किया जाता, उनके लिए अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। क्यों इन्होंने इस काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, जो लेना चाहेगा उसके लिए अलग से फॉर्म फिल किया जाएगा। वो 14 नवंबर से क्या रहेगा 20 नवंबर के मध्य इसका फॉर्म चालू रहेगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य में जो खाली सीटें हैं हर कॉलेज में खाली सीटें रह जाएगी, रिक्त सीटें रह जाएगी, उसके लिए फॉर्म फिल किया जाएगा। जो कास्ट है SC ST या फिर जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी जिस जिस डिपार्टमेंट में यानी जिस जिस कैटेगरी की सीट खाली रहेगी उसके लिए फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो 14 नवंबर को मिलेगी। 14 नवंबर को फाइनल मेल लिस्ट आएगी, उसके बाद में कितने पद खाली है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा बता दिया जाएगा कि कितनी सीटें खाली है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास समय में पूछे। और हम बात करेंगे फाइनल मेल लिस्ट की जो कब आएगी 3 नवंबर 2014 2022 को आएगी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो कोई भी अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो वो डाउट में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं जिससे आपकी क्या मेल लिस्ट आ जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।